हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के 45 फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले। जो ट्रिग्नोमेट्री के 45 फॉर्मूले, आज मैं आपको ऐसा एक फॉर्मूला बताऊंगा कि वो याद होने के बाद आपको वो 45 फॉर्मूले आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे। तो हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशल रेशियोज के बारे में बताया था, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे के रखा है, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, आप सभी को पता ही है जो ट्रिग्नोमेट्री है जो राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाल लिया है। तो हमें अगर सीबी की मेजर करना है, सीबी की जो लेंथ है वो मेजर करना है, तो हम किस तरह से करेंगे? तो जो एंगल ए है इसके सामने सीबी है, तो ये होगी साइड अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए, बराबर। अभी जो हमें ए बी इसे मेजर करना है, तो ये क्या होगी? एडजेसेंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। जो भी ये साइड सी बी है ये ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो इसे हम पी से डिनोट करेंगे। और जो ये एडजेसेंट साइड है ये है इसका बेस, तो इसे हम बी से डिनोट करेंगे। और जो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्ग साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, तो इसे हम डिनोट करेंगे एच से। तो एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूं, जो है पंडित बुद्धि प्रसाद अपॉन हर हर बोले। ये जो फॉर्मूला है, अगर इसे आप याद कर लेते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के पूरे 45 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं किस तरह से याद होते हैं। तो जो साइन थीटा होता है हमारा, जो हमारा साइन थीटा होता है वो होता है हमेशा अपोजिट साइड जो है अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आ गया फर्स्ट फ्रैक्शन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा किस तरह से आएगा? कॉस थीटा आएगा सेकेंड फ्रैक्शन, मतलब जो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। जो हमारा टैन थीटा आता है, टैन थीटा मतलब थर्ड वाला फ्रैक्शन हम लेंगे, जो है पी अपॉन बी। तो पी अपॉन बी लिखेंगे, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो आएगा हमारा टैन थीटा। तो इसी तरह से हम देखेंगे कॉट से कोसेक किस तरह से आता है। जो कॉट होता है वो टैन के अपोजिट होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉट थीटा। अभी हमने फ्रैक्शन इस तरह से लिखे थे, अभी हम फ्रैक्शन को रिवर्स में लिखेंगे और इसका इनवर्स लेंगे। जो मतलब रिवर्स में लिखेंगे, जो बी है ऊपर जाएंगे, मतलब हरर बोले जो ऊपर जाएगा और पंडित बुद्धि प्रसाद जो नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया बी अपॉन पी, मतलब आ गया आपका कॉट थीटा। बाद में आता है आपका सेक थीटा। सेक जो होता है वो कॉस के इनवर्स होता है, मतलब एच अपॉन बी हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बाद में आएगा हमारा कोसे थीटा। तो कोसेक थीटा किस तरह से आता है? कोसेक थीटा मतलब वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा। तो जो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, इसको हम इनवर्स में लिख लेंगे, मतलब आ जाएगा हमारा कोसेक थीटा, मतलब हो जाएगा एच अपॉन पी। तो देखिए आपको यहाँ पे मैंने ये सिक्स और पिछले, मतलब जो इसके इनवर्स है, वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, वन अपॉन टैन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, इसको हम इनवर्स में लिखेंगे, वन अपॉन कॉट इक्वल टू टैन थीटा, वन अपॉन सेक इक्वल टू कॉस थीटा, वन अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, मतलब हो गए 6+6, 12 फॉर्मूले आपको मैंने अभी बता दिए। तो अभी और आगे के देखते हैं, हमें टोटल देखने 45 फॉर्मूले। चलो आगे फ्रैक्शन देखिए, जो आए पंडित बुद्धि प्रसाद हर बोले के फॉर्मूले से। तो इसी फ्रैक्शन के यूज करके हमने डायग्राम निकाले, जो हेक्सागोन निकाला है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ये डायग्राम को आप याद किस तरह से रखें? जो राइट हैंड वाली साइड है वहां पे सब सी से आता है, और इस साइड पे हमारे रेगुलर, मतलब साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक। तो अभी आप इससे फॉर्मूले किस तरह से बनेंगे? अगर आप किसी भी एक को ले, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ टैन थीटा, तो टैन थीटा इक्वल टू होगा जो आगे के दो है उसकी अपॉन, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा। इसे हम प्रूफ भी करेंगे, पहले मैं लिख लेता हूं, बाद में आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। तो अभी रैंडमली लेते हैं हम कॉट थीटा को ले लेंगे, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, मतलब उसके आगे के दो, मतलब आएगा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। तो इसी तरह से आप इसमें 6 फॉर्मूले बना सकते, टोटल 6 फॉर्मूले। तो हम इसमें से किसी भी एक को प्रूव कर लेते, तो हम लेते हैं यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो अभी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, तो अभी इसे प्रूव कर लेंगे। कॉस थीटा का जो है फ्रैक्शन है जो है बी अपॉन एच डिवाइडेड बाय
कॉस थीटा का जो फ्रैक्शन है वो है बी अपॉन पी, तो इसे हम यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं बी अपॉन एच, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा इनवर्स, तो यहाँ पे पी ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, तो बी भी कट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच ये है हमारा साइन थीटा। तो हमने इसी तरह इसको प्रूव भी कर लिया, इसी तरह से मतलब जो एक को लेंगे तो उसके आगे के जो दो है उनकी डिवाइडेशन आएगा और ये आंसर मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन टैन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से आप टोटल सिक्स फॉर्मूले बना सकते हैं। हमने पिछले इसमें देखा 12 फॉर्मूले, अभी हमने देखे 6 फॉर्मूले, तो आपके हो गए टोटल 18। अभी और देखने हैं हमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो देखते हैं आगे के फॉर्मूले फिर से निकाल लेंगे। अभी हम पिछले इसमें गए थे हम क्लॉकवाइज, अब हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन अपॉन टेन, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। उसी तरह से हम लेंगे साइन थीटा तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन अपॉन सेक थीटा, थीटा अपॉन सेक थीटा। तो इसी तरह से हम फिर से बना लेंगे सिक्स फॉर्मूले। और एक ले लेते रैंडम कोई भी, तो हम लेते कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमारे भी एंटी क्लॉकवाइज, तो आएगा इसका आंसर कॉट अपॉन कॉस, थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अभी इसमें से हम रैंडमली किसी भी एक पे लेते कोसेक थीटा को ले लेते, तो अभी यहाँ पे है कॉट थीटा, तो जो है बी अपॉन पी इज इक्वल डिवाइड बाय बी अपॉन पी डिवाइड बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा है बी अपॉन एच, तो इसे हम लिख लेंगे बी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन बी, तो यहाँ पे बी बी कट हो जाता है और यहाँ पे बचता है एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी है जो हमारा कोसेक थीटा है एच अपॉन पी। इस तरह से हम यहाँ पे एंटी क्लॉक में जाके भी सिक्स फॉर्मूले बना सकते हैं। तो टोटल हमारे हो गए 18 और 6 24। तो अभी देखते हैं आगे क्या होगा। अब तक हमने देख लिया 24 फॉर्मूले, अभी हम और इसी डायग्राम के यूज करके सिक्स फॉर्मूले बना लेंगे। तो देखते हैं किस तरह से वो बनते हैं। हम यहाँ पे रैंडमली किसी भी दो नंबर इनको ले लेंगे, मतलब यहाँ पे लेंगे हम साइन थीटा इंटू सेक थीटा, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आएगा बीस वाला, मतलब जो आएगा टेन थीटा। और एक देख लेते हम देख लेते चलो इसको, तो ये होता है कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस और टेन के बीच में आता है साइन थीटा, तो इसका आंसर आएगा साइन थीटा। तो इसको हम प्रूव भी कर लेंगे। तो कॉस थीटा का जो फ्रैक्शन है वो है बी अपॉन एच इंटू टेन थीटा का जो फ्रैक्शन है वो है पी अपॉन बी, तो बी बी कट हो जाएगा इज इक्वल टू आएगा पी अपॉन एच जो कि हमारा साइन थीटा। इसी तरह से आप यहाँ पे सिक्स फॉर्मूले बना सकते हैं, मतलब पिछले 24 प्लस 6 टोटल हो गए 30 फॉर्मूले। अभी और हम आगे के फॉर्मूले देख लेते हैं। तो अभी इस डायग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो इनके डायगोनल जहां पे क्रॉस हो रहे हैं दूसरे को वहां पे हम लिख लेंगे 1। तो अभी 1 तो ये 1 किस तरह से हमें यूज में आएगा, तो साइन थीटा उसका डायगोनल है कॉस सेक थीटा, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा मतलब जो है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1, तो इसे भी लिख लेते टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू आएगा 1। तो इसे हम प्रूफ भी करके देखेंगे कि ये बरोबर राइट है या नहीं है। तो टेन थीटा का जो है फ्रैक्शन है बी पी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा का जो फ्रैक्शन है जो है बी अपॉन पी, तो यहाँ पे पी पी कट बी बी कट, तो बचा कुछ नहीं बचा एक, तो हो गया ये प्रूफ। इसी तरह से थर्ड फॉर्मूला भी बन जाएगा जो कि आएगा सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारे बन गए तीन फॉर्मूले, तो 30+3 इज इक्वल टू हो गए 33 फॉर्मूले। तो फ्रेंड्स हमें स्कूल में सिखाया गया था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो उसी का यूज करके हम यहाँ पे अभी सिक्स फॉर्मूले बनाएंगे। तो वो किस तरह से देखिए, जो साइन थीटा इसके सामने है कॉस थीटा, टैन थीटा इसके सामने है कॉस थीटा, और सेक थीटा इसके सामने है कोसेक थीटा। अगर हमें कोई एक एंगल दिया मतलब हमें दिया कॉस थीटा और हमें बोला गया कि साइन थीटा को फाइंड करें, या बोला गया साइन थीटा दिया और बोला गया कॉस थीटा को फाइंड करें, तो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो देखिए जो साइन थीटा है उसे हम लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा हमारा साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा साइन थीटा। इसी तरह से जो है हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू
cot 90 माइनस थीटा जो होगा हमारा tan थीटा होगा। इसी तरह से हम सेम लिख लेंगे sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा जो आएगा हमारा sec थीटा। क्योंकि अगर हम इसको रिवर्स में लिखेंगे मतलब इधर से इस तरह लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा इसी तरह से हमें मिलेगा जो है cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा। इसी तरह से हम और ये बना लेंगे मतलब बनाते हैं यहाँ पे देखते हैं अभी cosec थीटा इज इक्वल टू sec थीटा sec 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से हम ये लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड जाएंगे तो बनेंगे तीन फॉर्मूले, राइट हैंड टू लेफ्ट साइड जाएंगे तो बन जाएंगे हमारे तीन फॉर्मूले, टोटल बन जाएंगे सिक्स फॉर्मूले। 33 + 30 इज इक्वल टू हो गया हमारे 39 फॉर्मूले। अब बचे हमारे सिक्स फॉर्मूले, हम देखेंगे किस तरह से अभी इसी डायग्राम में हम थोड़े चेंजेस करेंगे। मतलब हम यहाँ पे तीन ट्रायंगल फिल कर लेंगे, तीन तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे क्लॉकवाइज, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे स्क्वायर के फॉर्मूले, तब देख लेंगे किस तरह से आते। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आता है हमारा वन। इसी तरह से यहाँ पे वन क्लॉकवाइज जा रहे तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यार उसी तरह से यहाँ पे अभी जाएंगे हम क्लॉकवाइज, तो पहले आएगा टेन थीटा मतलब हो जाएगा इसका टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे क्लॉकवाइज तीन फॉर्मूले, मतलब 39 + 3 हो गए 42, बचे अभी तीन फॉर्मूले। तो हम इसमें थोड़े से चेंजेस कर लेंगे। हम अभी गए थे क्लॉकवाइज, तो हम जाएंगे अभी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये एंगल यहाँ से इस तरफ जाएगा, ये यहाँ से इस तरफ और ये यहाँ से इस तरफ, तो हमें मिल जाएंगे। हम क्लॉकवाइज जा रहे थे तो हम प्लस कर रहे थे, अब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हम माइनस करेंगे, तो हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। एंटी क्लॉक वाइज जा रहे मतलब पहले वन आएगा फिर कॉस स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे तो पहले आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा वन। उसी तरह से यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू हमें मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा, तो हो गए थ्री। तो 42 + 3 इज इक्वल टू हमारे हो गए टोटल 45 फॉर्मूले, जो हमने एक ही फॉर्मूले से बनाए हैं जो है पंडित बुद्धि प्रसाद हररू बोले। इसी तरह से आप ये सब फॉर्मूले याद कर सकते हो।